फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इंस्टेंट आलू के चिप्स, जिससे कि ना तो उबालने का झंझट है और ना ही इसको सुखाने का। और आप तुरंत इसको बनाइए और खाइए, खिलाइए एकदम, और इसमें कोई भी झंझट का काम नहीं है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बनाया मैंने। यहाँ पे देख कितना क्रिस्पी है, और इसकी मैंने आवाज़ भी म्यूट नहीं किया है ताकि आपको पता चले कितना क्रिस्पी है। आप इस तरह से भी देख सकते हैं, मार्केट से भी अच्छा एकदम बहुत बढ़िया बना था। आप ज़रूर बनाइए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पुष्पलता किचन। पुष्पलता किचन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को ज़रूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, आज मैंने बनाया है आलू चिप्स बनाए हैं मैंने, इंस्टेंट बनाए हैं। और इसके लिए हमने दो आलू लेना है, और आलू को हमको इसको पील कर लेना है। तो यहाँ पे हम पील कर लेंगे। तो ये मैं आप देख सकते हैं, मैंने आलू को पील कर लिया है। उसके बाद इसको हमें सुखा लेना है, ड्राई कर लेना है। यहाँ पे आप नैपकिन पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं, कॉटन क्लॉथ का भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो कद्दूकस है, इससे मैंने किया है क्योंकि हाथों से इतना पतला नहीं होगा, तो आप इसके हेल्प ले सकते हैं और इससे आप चिप्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आप देख सकते हैं आप, और अच्छे से मैंने यहाँ पर इसको कर लिया है, कद्दू से कद्दूकस करके चिप्स रेडी कर लिया है। उसके बाद इसी तरह से हमने हमें सारे चिप्स रेडी कर लेने हैं, और उसके बाद हमें इसको एक एक करके थोड़ा सा सुखा लेना है नैपकिन पेपर से। तो यहाँ पे मैं सुखा के आपको दिखाती हूँ किस तरह से, जो भी मॉइस्चर होगा इसके अंदर वो सारा नैपकिन पेपर में आ जाएगा। तो इस तरह से घुमा के सारे चिप्स को हमें सुखा लेना है और फैला लेना है अच्छे से, और दोनों साइड से ही हमें पूरे सभी तरफ से दो तीन नैपकिन पेपर लेके हमें इसको इस तरह से ड्राई कर लेना है ताकि इसके अंदर मॉइस्चर ना रहे और हमारे चिप्स अच्छे कुरकुरे बने। तो आप देख सकते हैं मॉइस्चर सारा नैपकिन पेपर में आ गया। यहाँ पे आप कॉटन क्लॉथ का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हमने कढ़ाई रख दी, और कढ़ाई हमें हाई फ्लेम पे गरम कर लेना है। और आप पहले चाहे तो एक बार एक डाल के चेक भी कर सकते हैं, और वन बाय वन करके हमको यहाँ पे चिप्स जो हमने कट करके लिए हैं उसको कर देना है, और उसको चमचे की हेल्प से अलग अलग कर देना है ताकि एक में चिपके नहीं वो। तो इस तरह से हमें एक साइड अच्छे से होने के बाद हम पलट लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पलट लिया है और इसको अच्छे से इधर कर लिया है। और आप चाहे तो इस तरह से आप बना के रख सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं। बाहर का तो अच्छा नहीं रहता है और बच्चों को तो बहुत पसंद आता है, तो आप इस तरह से बना के रख सकते हैं घर में, बच्चों को दे सकते हैं। और यहाँ पे मैंने ये एक पेपर प्लेट में निकाल लिया है। हमको इसको नैपकिन पेपर पर नहीं निकालना है, क्योंकि नैपकिन पेपर पर अगर हम निकालते हैं तो वो थोड़ा सा क्रिस्पी चला जाएगा उसका, तो हमको प्लेट में ही निकालना है। तो हमने प्लेट में निकाल लिया है, और इस तरह से हमें प्लेट में ही रखना है, और क्योंकि हम भी कोई भी डीप फ्राई चीज़ें निकालना होता है तो हम टिश्यू पेपर पे ही निकालते हैं, तो उस तरह से हमें नहीं निकालना है। यहाँ पे हमें केवल प्लेट में ही निकालना है। तो आप देख सकते हैं उसी तरह से दूसरा बैच भी मैंने बना लिया है, और दूसरा बैच भी रेडी कर रही हूँ मैं। तो ये मेरा दूसरा बैच भी लगभग रेडी हो गया है, इसे भी हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कितना क्रिस्पी है। देख रहे हैं तोड़ने से ही एकदम से अलग अलग हो जा रहा है, तो बहुत ही क्रिस्पी बना है और बहुत अच्छा बना है। आप ज़रूर बनाइए और आपको अच्छा लगेगा, और बना के आप ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसा लगा। तो अगर पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए फ्रेंड्स फैमिली में, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। और मिलती हूँ फिर एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।